की है बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर एनिमल फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा 2010 का, अगस्त 2010 का, एंड सेम पैटर्न 3 आवर्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है। हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ आज नया क्वेश्चन पेपर जो कि है बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर से। एंड तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आती रहूंगी सभी ईयर्स के। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर एनुअल फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा 2010 का, अगस्त 2010 का, एंड सेम पैटर्न 3 आवर्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है, एंड मार्क्स हमारे 75। चलिए, हर बार की तरह हम इस बार भी अपने नोट्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमें दिए जाता है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। हर बार की तरह क्वेश्चन ए से एनी टू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एंड क्वेश्चन 3 इज कंपलसरी, 3 कंपलसरी है, सेपरेट आंसर शीट फॉर ईच पार्ट। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया, तो मैं बता दूँ यहाँ पे ये इन्होंने बोला सेक्शन ए के लिए आपको अलग सीट मिलेगी, लेकिन सेक्शन बी और सी आपको एक में अटेम्प्ट करना है। यानी हमें 3 सेक्शन दिए जाते हैं, 3 सब्जेक्ट एक ही एग्जाम में कवर करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का, जो कि फार्मा से है। एन्यूमरेट बेंजोडाइजापिन्स, गिव थेरापेटिक यूजेस ऑफ डाइजापाम। फ्रेंड्स, इसके मार्क्स तो नहीं दिए गए, बट यहाँ पे मोस्टली 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिख भी रहा है, तो 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन्यूमरेट ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो हमारा 3rd क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्क्राइब दी फॉलोइंग एनालिटिक्स, यानी कि हमें यहाँ 6 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, नर्सिंग केयर ऑफ केसेस ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन पॉइजनिंग में नर्सिंग केयर बतानी है हमें, ठीक है। क्वेश्चन बी देखेंगे हम पैरासीटामोल, क्वेश्चन सी है हमारा मेट्रोनिडाजोल, क्वेश्चन डी है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट केसेस ऑफ मलेरिया, एक्यूट केसेस ऑफ मलेरिया, एंड क्वेश्चन ई है हमारा जेंटामाइसिन, क्वेश्चन एफ है हमारा सालबुटामोल, देन है हमारा ओमेप्राजोल, क्वेश्चन एच है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये हमारे इसमें से हमें जो भी क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन में से हमें टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्रेंड्स। एंड हम देखते हैं अपना सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखेंगे हम पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट क्वेश्चन ए है, एक है हमारा व्हाट इज न्यूप्लासिया, डिस्क्राइब ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट। क्वेश्चन 2 है हमारा डिफरेंसेस बताना हमें दोनों में। क्वेश्चन ए है, 2 का ए है हमारा मेटाप्लाजिया एंड एनाप्लाजिया। क्वेश्चन बी है हमारा डेस्ट्रोफिक एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। क्वेश्चन सी हमारा रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। ये था हमारा 2nd क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 नंबर का हमारा जो पहला क्वेश्चन था 4 नंबर का था। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ब्रीफली बताना हमें क्या ए प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड साइड इफेक्ट। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है एंड साइड इफेक्ट बताने हैं उसके। देन है बी हमारा लैब इन्वेस्टिगेशन इन एक्यूट ल्यूकेमिया, एंड क्वेश्चन सी हमारा डिस्कार्डिंग ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट, ये बताना हमें। देन देखते हैं अपना लास्ट का सेक्शन सी, जैसे हर बार देखते हैं सेक्शन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स।
ऐसे इंपॉर्टेंट तो तीनों सेक्शन होते हैं, क्योंकि अगर आप तीनों में से भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर ही आ जाता है, मतलब नहीं माना जाता। तो आपको सभी सेक्शन में से सभी चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, पास होने के लिए अटैम्प्ट करना होगा। एंड इससे हमें एक समरी मिल जाएगी कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। तो उस तरीके से आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आते रहें। और देखते हैं अपना सेक्शन सी जेनेटिक्स रैंकिंग, देखेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्वेश्चन बी है हमारा कैलन फिल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन सी है हमारा लायंस हाइपोथेसिस। क्वेश्चन सी था हमारा ओवरऑल ये क्वेश्चन पेपर जो हमारा लास्ट का सेक्शन 12 नंबर का है। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।